उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू तेज कर दिया गया है। 24 मीटर तक टनल में बोरिंग की गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पांचवा पाइप कनेक्ट किया जा रहा है। लगभग आधे हिस्से तक पाइप पहुंच चुका है। 70 मीटर में फंसे बताए जा रहे हैं मजदूर। टनल में ह्यूम पाइप डाला जा रहा है। अमेरिकन ऑगर मशीन से रेस्क्यू जारी है। 24 घंटे ये रेस्क्यू और चलेगा, जानकारी ये भी सामने आई। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही तस्वीरें भी आप देखिए। 70 मीटर अंदर मजदूर फंसे हुए हैं। 24 घंटे का वक्त अभी और लग सकता है। इसके अलावा 24 मीटर तक टनल में बोरिंग की गई है और पांचवा पाइप भी कनेक्ट किया जा रहा है। लगभग आधे हिस्से तक पाइप पहुंच चुका है। जैसे कि लंबाई 70 मीटर बताई जा रही है, तो 35 मीटर तक पाइप पहुंच चुका है। आगे और बोरिंग की जाएगी और उसके बाद में पाइप कनेक्ट किए जाएंगे और पाइप के जरिए यहां पर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, अमेरिका की ये मशीन जो कि दिल्ली से मंगाई गई है, अब इसके जरिए बोरिंग की जा रही है और एक घंटे का समय लगता है इसे 5 मीटर बोरिंग करने में। लेकिन उसके बाद में जब पाइप कनेक्ट किया जाता है उसमें थोड़ा वक्त और लग सकता है। अधिकारियों की तरफ से और साथ ही जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, उनकी तरफ से कहा गया कि आने वाले 24 घंटे बेहद ज्यादा मुश्किल रहेंगे और कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। और 24 घंटे के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये मिशन और ये ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल रहता है। तो राज्य सरकार साथ ही एनडीआरएफ की टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इससे पहले भी मजदूरों से संपर्क किया गया और ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर जुड़ गए हैं। बलवीर का रुख कर लेते हैं। बलवीर, अभी मौके से क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि 70 मीटर लंबाई बताई जा रही थी टनल की और उसमें से 35 मीटर तक जो पाइप है उनको कनेक्ट कर दिया गया है, तो कितना समय और लगेगा अभी? बलवीर, क्या अपडेट मौके से? बिल्कुल, इस समय जो रेस्क्यू ऑपरेशन है टनल के अंदर चल रहा है, हम ग्राउंड जीरो पे मौके पे मौजूद हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। जो आईटीपी के जवान है मौके पे है, बैरिकेड लगाया गया है और अंदर जो बताया जा रहा है कि अंदर जो स्थिति है, चार पाइप बिछा दिए गए हैं, जो बोरिंग की गई है लगभग 24 मीटर तक बोरिंग हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो अगले जो 24 घंटे हैं इसमें सफलतापूर्वक जो ये ऑपरेशन है इसको अंजाम दिया जाएगा। तो सभी की नज़रें टिकी हुई है अंदर कि कब अच्छी सूचना आए, ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो। और सबसे अच्छी खबर यह है कि कल से जब से ये बोरिंग शुरू हुई है तब से लेके अब तक 24 मीटर ड्रिलिंग करके लगभग चार पाइपों को बिछा दिया गया है। तो कह सकते हैं कि अगले जो 24 घंटे होंगे वो काफ़ी क्रूशियल होंगे, क्योंकि सभी की नज़र अंदर टिकी हुई है कि कब अच्छी सूचना आती है। और दुआओं का दौर भी बाहर जारी है लगातार। जो ग्रामीण है, जो स्थानीय लोग हैं, वो दुआ कर रहे हैं कि जो ये ऑपरेशन है, जो 40 मजदूर जो अंदर पिछले 124 घंटे से फंसे हुए हैं, वो कब बाहर निकले और कैसी उनकी हालत होगी, उसके लिए जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने व्यवस्थाएँ बनाई है। यहाँ पर जो NDRF है, SDRF है, उनके जवान तैनात है और 6 बेड का एक इमरजेंसी अस्पताल बनाया गया है। जब उनको रेस्क्यू करके लाया जाएगा तो पहले जो इमरजेंसी अस्पताल है वहां रखा जाएगा, उसके बाद एम्बुलेंस से आगे की तरफ हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। तो पूरी तैयारी है, सभी की नजरें हैं कि जो ऑपरेशन पिछले जो 24 घंटे है उस जो शुरू हुआ है वो लगातार चल रहा है, सभी की निगाहें उसी ऑपरेशन पर टिकी हुई है। और जो अपडेट है, 24 मीटर पाइप को ड्रिल कर दिया गया है और कार्य अंदर लगातार प्रगति पे है। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि शाम तक या फिर देर रात तक कोई अच्छी खबर आए और जो ये रेस्क्यू है और ये अंतिम दौर की तरफ बढ़े। तो बलवीर, आने वाले 24 घंटे काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं जिसका सामना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को करना पड़ रहा है इन श्रमिकों को बाहर निकालने में? Uh,
बिल्कुल, इस समय ग्राउंड जीरो पे न्यूज 18 है। पिछले 5 दिनों से लगातार कवरेज की जा रही है। जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां ये है कि अब जब ये 24 मीटर पे पाइप जो ड्रिल कर दिए गए हैं, तो अब जो मिडिल जो सबसे चुनौतीपूर्ण रहने वाला है यही हिस्सा है। जब आगे की तरफ पाइप बिछाए जाएंगे ड्रिल करके, आगे की तरफ जब पाइप जाएंगे तो जो बीच का हिस्सा है जहाँ पे टूट हुई है, उस हिस्से को जब ये जो ड्रिल कर दिया जाएगा, बोरिंग की जाएगी, तो जब आगे की तरफ जब ये पाइप निकलेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि ये ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगा और मजदूरों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाएगा। और इसके बाद जो एनडीआरएफ है, जो एसडीआरएफ है, उनका काम शुरू हो जाएगा। एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे। बलवीर, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखिए।